लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला, उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ, तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है वो है P20। और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ चार दीवारें नहीं है, हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा, कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया, सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पर चढ़ाया, किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा, किसी को दूसरे जगह भी जाके बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए और ये खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया
ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी, स्पीकर सर, आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेसफुल इलेक्शन फॉर द सेकेंड टाइम दैट यू हैव बीन इलेक्टेड। आई'd लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर ऑपोजिशन, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया अलायंस। स्पीकर सर, दिस हाउस रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ इंडियाज़ पीपल, and you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice.